कराह रही है मानवता आतंकवाद मिटाने को, भारत भी तैयार खड़ा है आतंकी निपटाने को। जब भी बड़ा है पाप धरा पर, हमने ही बोझ उतारा है। हम राम कृष्ण के वंशज हैं जिसने रावण और कंस को मारा है। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक मंडल एवं बहादुर साथियों, मैं राइफलमैन मृत्युंजय श्रीवास्तव असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व विषय के विपक्ष में करने जा रहा हूँ। मानव अधिकार, महोदय इस शब्द को सुनकर मेरे मन के दो बिंदुओं के मध्य एक दृढ़ विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि या तो इस शब्द की महत्ता और प्रासंगिकता का कोई अर्थ नहीं, और यदि अर्थ है तो हम सुरक्षा बल मानव नहीं, अर्थात जिस मानव अधिकारों की वेदी पर आश्रित होकर पत्थरबाज, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के मरण व हरण पर यह मानव अधिकार के ठेकेदार भेड़िया विलाप करते हैं, वे अयोध्या, अक्षरधाम, संसद भवन, ताज, कठुआ, गया और पुलवामा जैसे विध्वंसकारी कांडों पर मौन क्यों हो जाते हैं? महोदय, प्रशिक्षण काल से ही हमें एक गोली एक दुश्मन, जिसकी पहल उसकी जीत जैसे प्रेरणादायक पंक्ति स्वरूप गुरु मंत्र दिए जाते हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि मानव अधिकारों के अनुपालन की जंजीरों में जकड़े हम सुरक्षा बल एक आईडी कई जवान दुश्मन की पहल, सैनिक की शहादत जैसे ज्वलंत उदाहरणों का निर्मम साक्षात्कार करते हैं। महोदय, जहाँ कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, आतंकी हुकूमत चलती है, मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, वहाँ पुनः शांति स्थापित करने के लिए सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। ऐसे कठिन परिस्थिति में मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए आतंकवाद एवं उग्रवाद के विरुद्ध लड़ना, वो भी प्रभावी तरीके से, कतई संभव नहीं है। एक सैनिक होने के नाते मैं यही कहूंगा कि शस्त्र मिले हैं, कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का। आज मानवता है खतरे में, तो क्या करोगे मानव अधिकारों का? महोदय, मानव अधिकारों के अनुपालन का ही नतीजा है कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ नक्सलवाद हमारे देश के 240 जिलों में फैल चुका था, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की तो यह सिर्फ 90 जिलों में सिमट कर रह गया है। महोदय, सुरक्षा बलों को मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि जो कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के लवारिस सैनिकों के शवों को उनके धर्म के अनुसार दफनाया, वो है हमारे सुरक्षा बल, जिन्होंने इसी वर्ष 11 जुलाई को पाक अधिकृत कश्मीर से बहकर आए मासूम बच्चे के शव को प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तानी सेना को लौटाया, वो है हमारे सुरक्षा बल, जो कश्मीर के स्कूली बच्चों को दुश्मन की गोलियों से बचाने के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट बन जाते हैं और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भार लिए हुए भी जो इस देश में शांति और अमन कायम करते हैं, वो है भारतीय सुरक्षा बल। मेरे साथियों, हम सैनिक भी इंसान हैं, हम भी मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। महोदय, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में जहां 222 आतंकी हमले हुए, वहीं 2018 में इनकी तादाद बढ़कर 614 हो गई। 2014 में 47 सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत हुई तो 2017 में 80 और 2018 में 91 जवान शहीद हुए। हमारे देश में 1993 से लेकर अब तक लगभग 8,390 आतंकवादी और उग्रवादी हमले हो चुके हैं। महोदय, पूरा देश जानता है कि ईद की छुट्टी के लिए जा रहे सेना के जवान औरंगजेब को आतंकियों ने अपहरण कर निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी, तब तो किसी ने भी औरंगजेब के मानव अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई। वही खुखार आतंकवादी अफजल गुरु को कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा दी गई, फिर भी हमारे देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाते हैं। दर्द तो हद से तब गुजर जाता है जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे सफल ऑपरेशनों के लिए हमसे सबूत मांगे जाते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि सीता हरण किया रावण ने, मानवता को ललकारा था, श्री राम प्रभु ने रावण को लंका में घुस कर मारा था। हम उन्हीं राम के अनुयायी सम्राणर हार नहीं सकते जो रच रहे षड्यंत्र, उन्हें क्या घुसकर मार नहीं सकते? महोदय, मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब आतंकवादी हम पर अंधाधुंध गोलीबारी करें तो क्या हम सफेद झंडा लेकर मानव अधिकारों का शांति पाठ करें? आतंकियों को पनाह देने वाले स्थानीय लोग हम पर गाली गोली और पत्थर बरसाते रहे और हम उन्हें प्यार बांटते रहे? नहीं महोदय, नहीं। प्यार और सम्मान तो वहां बांटना चाहिए जहां से वापसी की उम्मीद हो। महोदय, मैं यह नहीं कहता कि मानव अधिकारों का अनुपालन नहीं करना चाहिए, लेकिन वे लोग जो मानव अधिकारों का दुरुपयोग करके सुरक्षा बलों को प्रभावहीन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कठोर से कठोर दंड देकर उनके साथियों को यह संदेश देना होगा ताकि भविष्य में कोई भी इंसान आतंकवादी